दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का घर के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ट्रिपल आईटी इलाहाबाद यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद में क्या कुछ आप कट ऑफ रैंक लाते हैं तो आपके एडमिशन के चांसेस बनने वाला है। ये जो रिसर्च है प्रीवियस ईयर कट ऑफ पे बेस्ड है, तो कैटेगरी वाइज मैं बताऊँगा और अलग अलग ब्रांचेज में बताऊँगा। तो पूरा वीडियो देखना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर सके, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करते तो एक मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं अगला क्वालिटी वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी ला सकूँ। तो बिना ही टाइम वेस्ट के आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्या कुछ रैंक जाने वाला है। तो यहाँ पे मैं होम स्टेट जनरल न्यूट्रल और अदर स्टेट जनरल न्यूट्रल का अलग अलग कैटेगरी में बात करने वाला हूँ। तो ओपन कैटेगरी होम स्टेट जनरल न्यूट्रल में कोई भी सीट यहाँ पर नहीं था। जहाँ भी तुम एनए देख रहे हो उसका मतलब है कि पिछले साल वहाँ पर कोई सीट नहीं था उस कैटेगरी में। तो बात करते हैं अदर स्टेट में क्या था। तो ओपन में बात करूँ तो 9,250 रैंक तक गया हुआ था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं बात करूँ तो 1,820 रैंक तक जाता है। ओबीसी एनएलसी एनएलसी का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर, तो 3,802 तक जाता है। एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो 2,786 रैंक तक जाता है, और अदर स्टेट की मैं बात करूं तो 1,472 रैंक तक जाता है। और अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसके लिए कॉलेज फेमस है। तो यहां भी पिछले साल होम स्टेट जनरल न्यूट्रल में कोई सीट नहीं था। तो अदर स्टेट की मैं बात करूं तो ओपन कैटेगरी में 4,960 रैंक तक जाता है कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं बात करूं तो 1,013 रैंक तक जाता है। ओबीसी एनएलसी की मैं बात करूं तो 2,356 रैंक तक जाता है। एससी कैटेगरी का अगर मैं बात करूं तो 1,564 रैंक तक जाता है, और एसटी कैटेगरी का अगर मैं बात करूं तो 977 रैंक तक जाता है कट ऑफ। और अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स में क्या कुछ कट ऑफ रैंक जाता है। तो यहां भी होम स्टेट जनरल न्यूट्रल में कोई भी यहां पे सीट नहीं था पिछले साल। तो अदर स्टेट ओपन कैटेगरी की मैं बात करूँ तो 5,537 रैंक तक जाता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं बात करूँ तो 1,132 रैंक तक कट ऑफ जाता है। ओबीसी एनएलसी की अगर मैं बात करूँ तो 2,629 रैंक तक कट ऑफ जाता है। एससी में कट ऑफ की बात करूं तो 1,773 रैंक तक जाता है, और एसटी में कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो 1,108 रैंक तक जाता है। इसके अलावा भी अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज का कट ऑफ वीडियो देखना चाहते हैं या रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उस कॉलेज का नाम जरूर मेंशन करो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और मेरा इंस्टाग्राम आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं।